Pikachu? जिस प्रकार 3D पॉइंट आप सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को दिया और अपार सफलता प्राप्त किया, आज ठीक आपके लिए लेकर आया इकोनॉमिक्स की जैसे इंग्लिश की जैसे आपको इंग्लिश से मजबूत बनाने के लिए इकोनॉमिक्स की भी स्टार्ट सीरीज स्टार्ट होगी, लेकिन अभी हम स्पोकन स्टार्ट किए हैं तो आपकी बेस को मजबूत करने के लिए इंग्लिश स्पोकन की क्लास आज रखें। इंग्लिश स्पोकन क्लास 3D पॉइंट पर स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी देखते रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश स्पोकन किस प्रकार से इंग्लिश को इजी वे में सीखना है और ट्रांसलेट करना है। दुनिया का कोई भी बच्चा बूढ़ा सब सीख सकता है हमारे इस ट्रिक से, विश्वास रखिए और सीखिए। मात्र दो क्लास में, मात्र दूसरी क्लास में, दूसरी वीडियो में आपको हम जो बचपन से पढ़े ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 1 से 35 मात्र दूसरी वीडियो में आपसे बनेगी, मात्र दो वीडियो। लेकिन उससे पहले इंग्लिश किस प्रकार सीखना है, कहाँ सीखना है, क्या बेस होता है, यहाँ से सीखने के बाद ही आप कोई भी इंस्टीट्यूट के बुक्स उठाइए बना सकते हैं, कोई भी राइटर का बुक उठा के ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये जीवे में देखिए हम सिखाते हैं पूरी बेस से, बेस मजबूत इंग्लिश तुरंत ट्रांसलेट होगा। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बनाने के लिए आपको क्या जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश जानने के लिए, पढ़ने के लिए, जिस प्रकार से किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए उसके मेन मेन अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको जानना पड़ता है, क्या कौन सी कितनी मात्रा में, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश जानने के लिए क्या जरूरत है वो भी बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं जिस प्रकार से चाय बनाने के लिए आपको पानी, दूध, चीनी, गैस इत्यादि बहुत सारे चीज़ों की जरूरत पड़े, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश जानने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए मात्र चार चीज़ों की जरूरत। कितना सर, चार ही चीज़ें जो इंग्लिश सिखा सकते हैं आपको, सिर्फ चार चीज़ से बनती है इंग्लिश। क्या आप जानते हैं कौन कौन होता है, चलिए देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, मात्र चार चीज़ों से इंग्लिश बनती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, यही चार चीज़ से इंग्लिश सारी बन जाती। बात करेंगे मन मन एक करके, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक कभी नहीं इंग्लिश ट्रांसलेट होगा, क्योंकि हर बुक में यही लिखा होता है सर सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब 1, 2, 3 मीन्स वर्ब की, कंप्लीमेंट की, वर्ब को फॉर्म लिखिए। लेकिन रियल में होता क्या, वर्ब सब्जेक्ट हमने हिंदी सेंटेंस से सही से चूज नहीं कर पाते हैं कौन वर्ब है, कौन सब्जेक्ट, कौन ऑब्जेक्ट है, और हम लोग हमेशा गलत कर जाते हैं, कभी इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। कभी बहुत सारे बुक्स पढ़ चुके हैं लेकिन कभी भी सीख नहीं पाते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया जैसे CGD हर जगह इंग्लिश के क्षेत्र से आप पढ़ सकते हैं। पहले आपका बेस मौजूद है, पहले बेस मौजूद करने के लिए आगे आपके साथ स्पोकन इंग्लिश के साथ सीखते रहिए, बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। तो अभी हम बात किए इंग्लिश सीखने के लिए चार चीज़ों की जरूरत होती है। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है वर्ब, तीसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट, चौथा क्या होता है कंप्लीमेंट। तो पहले हम पढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट ना छोड़ करके पहले वर्ब को, सब्जेक्ट छोड़ करके पहले वर्ब को। तो पहले वर्ब होता है क्या, तो वर्ब, तो वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम। तो पहचानते कैसे हैं, जिस सेंटेंस के मीन्स जिसके साथ ना ने नी चिन्ह लगाओ, कौन सा चिन्ह, जिस चीज जिसके साथ ना ने नी का चिन्ह लगाओ वह वर्ब होता है। मीन्स हम बात करते हैं वर्ब होता है जो हमेशा ना का चिन्ह के साथ आता है। पहले उसमें फेयर लवली वगैरह अलग अलग क्रीम लगा कर उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन रियल में ना के साथ ही होता है। जैसे एग्जाम्पल, पढ़ना, लिखना, बोलना, EDC। हम लिखना को, पढ़ना को, बोलना को पढ़ता भी बोल सकते हैं, पढ़ा भी बोल सकते हैं, लिखना को लिखा भी बोल सकते हैं, लिखता है भी बोल सकते हैं। मीन्स इसी चीज़ को थोड़ा सा फेयर लवली वगैरह लगा करके थोड़ा गोरा करके मीन्स चेंज करके उतना तो आप जानते हैं ऐसा ही वर्ब। लेकिन देखिए यहीं पे नाना, नानी ये सही वर्ब नहीं है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट किसी चीज़ का नाम है, ठीक है, तो किसी चीज़ को नाम को वर्ब नहीं बोलते हैं। लेकिन पढ़ना लिखना एक काम है जिसको हम लोग देखते नहीं, लेकिन रियल में उसको नाम दे दिए। रियल चीज में जो नाम होता है उसको देखते हैं, लेकिन किसी चीज़ को नाम देना जिस अदृश्य होता है जिसको नहीं देखते वो भव होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। पहला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता,
तो पहचानने के रूल्स क्या है, आज हम बताएंगे आपको तीन रूल्स। कौन कितने रूल्स? तीन रूल, सिर्फ तीन रूल्स। आप सब्जेक्ट को किसी कितना भी प्रयोग वाला सेंटेंस आप चूज कर सकते हैं। तो पहला रूल है, जो काम को करता है, जो काम को करता है, कर रहा है, करेगा, करता था वगैरह वगैरह, वह सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, राम आम खाता है। इसे पहले हम दूसरे सेंटेंस लेते हैं, राम को जाना है। सर अभी बताएं आप, ठीक है, जो काम को कर रहा है तो पहले काम को ही चूज कीजिए ना सर। सो काम किसको जाना है, काम किसको करना है, राम को, सब्जेक्ट हो गया है। मुझे बोलना है एक वर्ब है। काम किसको बोलना सर, हमको बोलना, सब्जेक्ट हम ही है। यहाँ देखिए खाना एक वर्ब है, कौन खाएगा, तो राम खाएगा आम को, तो राम सब्जेक्ट है। रूल नंबर सेकेंड बात करते हैं, रूल नंबर सेकेंड क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। रूल नंबर सेकेंड, जिसके साथ ने चिन्ह लगाओ, ने चिन्ह लगा हो, वह सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, राम ने आम खाया, सीता ने राम को बुलाया, तुमने हमको मारा। थ्री पॉइंट के टीचर ने हमको इंग्लिश पढ़ाया। देखिए राम ने भर ने चीन लगा हुआ, सब्जेक्ट आकून के छाट दीजिए। एग्जाम्पल नेक्स्ट, रावण ने सीता का अपहरण किया। इसी सेंटेंस को हम आप लिख सकते हैं, सीता का, देखिए इसी सेंटेंस पे लिखते हैं, सीता का अपहरण रावण ने किया। मीन्स थोड़ा घुमा दिए सेंटेंस को। देखिए अपहरण करना एक वर्ब है, रावण ने किया, तो रावण एक सब्जेक्ट है यहाँ पे। रूल नंबर थर्ड बात करते हैं सब्जेक्ट का, जिसके बारे में बोला जाए। सर हम बढ़ी गए थे, देखिए क्या उधर से गुजर रहे थे, तो एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया, क्या किसके कारण हो गया, क्योंकि गाड़ी खराब थी, इस कारण सड़क जाम था। तो बोल किसके बारे में सर, सड़क के बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में, कौन सी चीज खराब थी, तो सड़क खराब थी, हम गुजर रहे थे, तो बोले आज क्लास सीता नहीं आई, ठीक है, तो क्लास जब अटेंड कर रहे थे तो देखे सीता नहीं, तो बोले सीता क्यों नहीं आई जी, एक बच्चा बोलता सर सीता बीमार है। मीन्स देखिए किसके बारे में बोला, सीता जिसके बारे में बोला जाए, भाभी से पार्लर रूल्स, जो काम को करता, देखिए यहाँ पे काम तो है नहीं, काम का सेंशन है, तो यहाँ से पहचान नहीं सकते हैं, ने चीन तो नो चीन भी नहीं, पहचाने कैसे सर, तो जिसके बारे में बोला जाए वह सब्जेक्ट है। इस प्रकार से आप तीनों रूल से कितना भी बड़ा सेंटेंस आप चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट को। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो बात करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। तो ऑब्जेक्ट पहचाने का रूल्स क्या है सेंटेंस में, तो पहला रूल्स है, जिसके साथ को चीन, को चीन मीन्स कमियों को का चीन लगा हो, वह ऑब्जेक्ट होता है। देखिए किस प्रकार से, एग्जांपल, राम को सीता ने खाना दिया। खाना देना एक वर्ब है, सीता ने नहीं चिन्ह सब्जेक्ट है, को चीन ऑब्जेक्ट है। आपको मैंने इंग्लिश पढ़ाया, तो पढ़ाना एक वर्ब है, इंग्लिश क्या है अभी बात करेंगे, मैंने सब्जेक्ट है, आपको कोचिंग लगा हुआ ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, सर को आपने बुलाया,
फुलाना भर आपने, आप फुलाए, आप काम कर रहे, सब्जेक्ट है नहीं चीनी, या तो काम कर रहा हूँ, बुलाने काम कर रहा है, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है, रूल नंबर नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट का रूल नंबर नेक्स्ट। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। रूल नंबर सेकेंड, जो काम मीन्स वर्ब से पहले आता हो, आपको अपने साथ कॉपी पेन रखना है और लिखते जाना है मेरी क्लास को। तो क्या बोलते हैं, जो काम से पहले आता हुआ ऑब्जेक्ट होता है, एग्जाम्पल राम आम को खाता है। देखिए राम आम को खाता है, राम आम खाता है, दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस सब्जेक्ट, खाना एक वर्ब है, अभी बात की को चिन्ह वाला ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ को चिन्ह नहीं, तो कैसे पहचानेंगे सर, सब्जेक्ट खाना एक वर्ब है, वर्ब से पहला तो ऑब्जेक्ट होता है। मैंने मोबाइल खरीदा एक वर्ब है, जो वर्ब से पहले आता ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस लिख के अगर को चिन्ह नहीं लगा हो तो जो वर्ब से पहले आता है ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट रूल नंबर, नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, अगर वर्ब मीन्स काम या को चिन्ह ना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता हो वह ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स क्या बोलता है, अगर काम न वर्ब हो न को चिन्ह हो, अभी दोनों पढ़ाए, पहला रूल पढ़ाए थे को, दूसरा रूल काम, तो अगर ये दोनों में से एक भी ना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। देखिए एग्जांपल क्या बोलते हैं, सीता बीमार है, अभी हम आपको सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ाए, वह ना चिन्ह तो है, बीमार है, काम नहीं, ठीक है, तो ये वर्ब नहीं। नेक्स्ट बात किए हैं कि जिसके बारे में सब्जेक्ट होता है, तो सीता के बारे में बोला जाए, लेकिन यहाँ बोले सर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या एक्चुअल में, अब समझ में नहीं आ रहा है सर, तो चलिए पहले हेल्पिंग वर्ब को बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब रियल में होता है क्या, तो देखिए आपके पास टाइम, समय, समय जानते तीन प्रकार होता है, वर्तमान भूत भविष्य मीन्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, कैसे पहचानते प्रेजेंट टाइम को, पहचानते लोग हैं हूँ हो, जैसे सीता बीमार है, अभी बीमार है, प्रेजेंट में था, थे, थी, सीता बीमार थी, ठीक है, तो फास्ट पहचानते, सीता बीमार रहेगी, गागेगी मीन्स गागेगी से फ्यूचर पहचानते, इस चीज को पकड़िएगा, आप हम 18 एक सेंटेंस का 18 बनाने सिखाएंगे और यहीं से इंग्लिश ट्रांसलेट सिखाएंगे। इसी क्रम को लेकर हम इंग्लिश के ऑक्सफोर्ड पर ट्रांसलेशन 1 से 35 तक मात्र सेकेंड वीडियो आपको सिखाएंगे, याद रखिएगा सर, गारंटेड 1 से 35 एक्सरसाइज बन सकता है आपसे, ये मेरा गारंटेड है। देखिए तो टाइम क्या होता है, तीन प्रकार होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हम टेंस नहीं बात करें सर, टाइम बात करें, समय, समय वर्तमान भूत भविष्य होता है, आप जानते हैं, तो पहचानते हैं हूँ खाते थे और गागे से पहचानते हैं। तो अभी बात की क्या, जो काम और को के बीच संबंध नहीं आ रहा हो, मीन्स काम और को चिन्ह ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सीता बीमार है, अभी एग्जाम्पल देते हैं, सीता बीमार है तो हेल्पिंग वर्ब है, या बोलेंगे सीता बीमार थी तो यही हेल्पिंग वर्ब, या तो सीधा बीमार रहेगी, जिस प्रकार से आपको बोलेंगे किसी प्रकार से हेल्पिंग से पहले तो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, बोला जाए पेन महंगा है, पेन महंगा है, सर मेरे पास पेन है, बोले ये महंगा है, क्यों, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, बोले पेन के बारे में बोले कौन महंगा है, तो पेन है, तो क्या है एक सब्जेक्ट है, क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है और इससे पहले आ रहा है ऑब्जेक्ट है, क्लियर, इस प्रकार सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट क्लियर। अब आते हैं और इजीएस है, देखते रहिए और पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा सर और साथ में कमेंट भी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कम्प्लीमेंट का, रियल में कम्प्लीमेंट होता क्या है सर, तो आप लोग पढ़े होंगे कम्प्लीमेंट के कुछ इस चीज को आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए आपके वास्ते भी होता है, अपरदान से फिर से होता है,
संबंध काके की अधिकरण संबोधन हे अरो हे अरे ओ। तो देखिए गौर से फरमाइए के वास्ते बोले सर थोड़ा नीचे। तो देखिए अभी आपको बात किए थे कि नीच नहीं लगाओ क्या होता है सब्जेक्ट होता है सर, कुछ नहीं लगाओ क्या तो ऑब्जेक्ट होता है सर, जिसका हिंदी यहाँ लिखा हुआ करता नहीं कर्म को। बाकी कोई भी वर्ड्स के साथ आता है किसी भी चीज इतना में से लेकर आता है मीन्स इतना में से किसी को भी लेकर आता है क्या होता है कंप्लीमेंट होता है सर। मीन्स किसी से के लिए काके की या मे पेपर या हे अरे वो इस सब क्या होता है कंप्लीमेंट होता है, याद रखिएगा। इस चिन्ह के साथ के साथ ऐड होता है कंप्लीमेंट होता है। इस प्रकार से आप चूज कर सकते हैं, एग्जांपल लेंगे और क्लियर करते जाएंगे। एग्जांपल लेने से पहले थोड़ा सा नोट पढ़ा लेते हैं, नोट पे रियल में होता है क्या है। देखिए टाइम कभी भी कॉम्प्लीमेंट होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, होता है टाइम कभी कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे आज कल परसों 4 बजे दोपहर में सोमवार को, सब क्या है सर सब कंप्लीमेंट है, सब टाइम हमारा कंप्लीमेंट। इस प्रकार से नोट अब ध्यान से रखिएगा। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल और चूज करते हैं। सीता बीमार है आज, आप आज रांची जाएंगे, मुझे आपसे अभी फोन पर बात करना होगा। इस प्रकार से सेंटेंस लिए आपको चूज करके दिखाते हैं। आप के बाद आप सब्जेक्ट हैं, जाएंगे रांची जाएंगे, जाना एक वर्ब है और इससे पहले कोई प्लेस है, इसके पहले जो होता है ऑब्जेक्ट होता है पता है, और जो आज का लगे होता है नॉट में क्या होता है कंप्लीमेंट होता है। इससे पहले पहला सेंटेंस सीधा बीमार सीधा बारे में बोला जा रहा है कि हेल्पिंग और हेल्पिंग से पहले तो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि बताए थे कि अगर को चीन या वर्ब हो अगर ना हो तो उससे पहले अनन ऑब्जेक्ट होता है। भर पहचानने के रूप से नाने बीमारी काम नहीं, आराम से पहचान सकते हो मुझे, पहले पर्सन मुझे आपसे अभी फोन पर बात करना होगा, तो बात करना होगा एक वर्ब है, फोन पर बात किए फोन पे अभी, अभी मतलब देखो अभी टाइम बता रहे हैं ठीक है। तो आपसे भी कॉम्प्लीमेंट अभी आपको दिखा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट को फोन पर, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ सब्जेक्ट है। मैं बरही जाता हूँ और मैं बस से बरही जाता हूँ, तीन सेंटेंस है। मैं जाता हूँ सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट सॉरी हेल्पिंग वर्ब होगा, कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा सर है हूँ। देखिए हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आता है वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में देखिए यहाँ जो वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, मैं बस से बरही जाता हूँ। देखिए हूँ पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसको जाना एक वर्ब, किसको जाना सर हमको जाना है, कहाँ जाना सर। तो देखिए जो वर्ब से पहले आता ऑब्जेक्ट होता है, से चीज लगाओ कंप्लीमेंट है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को आराम से जरूर से पहचान सकते हैं। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम फॉर स्पोकन्स कैरी ऑन। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट सोच को सुधारिए विधायक जी, हमारा चैलेंज है सोच को सुधारिए विधायक जी।